झुंझुनू में 3 साल बाद बीडीके अस्पताल के पालना गृह की गोद आखिरकार भर ही गई। दरअसल जून 2016 में बीडीके अस्पताल में पालना गृह स्थापित किया गया था और तब से लेकर अब तक कोई भी इसमें अपना बच्चा नहीं छोड़कर गया। लेकिन अचानक जब पालना गृह में कोई अनजान शख्स अपना नवजात बच्चा छोड़ गया तो अस्पताल प्रशासन सख्ते में आ गया। फिलहाल नवजात बच्चे को NICU में भर्ती किया गया और आपको बता दें कि यहां जिला प्रशासन ने लावारिस अवस्था में मिलने वाले बच्चों को पालना गृह में छोड़ने की कई बार अपील की है ताकि बच्चों को जिंदगी बचाई जा सके। ये बच्चा पालना गृह में मिला है पहली बार। झुंझुनू के अंदर 4-5 बच्चे जो भी मिले हैं वो सारे या तो गिरे हुए या कोई झाड़ियों में या कोई मंदिर के पास ऐसे मिले हैं, लेकिन ये बच्चा जो भी छोड़ के गया वो पालना गृह में छोड़ के गया। ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि वो चाहता है कि बच्चा जिंदा रहे और इसमें सरकार उसको फुल सपोर्ट करेगी, उसके प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, हमारी पूरी टीम इसकी पूरी देखभाल में लगी हुई है। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चा एकदम स्वस्थ सरकार को